अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करिए कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्क पे। मैं मन तिवारी आपका दोस्त आज फिर मिलता हूँ आपसे नए मुद्दे को लेकर के, और आज का मुद्दा है बच्चों को सफल कैसे बनाएं। आप में से कौन नहीं चाहता हमारा बच्चा सफल बने, कौन नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा सहारा बने, लेकिन आपकी परवरिश ही आपके बुढ़ापे में सहारे की पहचान है। ये बात याद रखिएगा, पेरेंट्स आर द फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे के लिए पहला वो आईना हो जो बच्चे की सीरत और सूरत दोनों को बदलता है। आप बच्चे के आंख में पट्टी नहीं बांध सकते, उसे देखना होगा। आप ये सिखा सकते हो कि क्या देखना है। आपको बातें किताबी जैसे लगती होंगे, लेकिन ये किताब की बातें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि इस पूरे वीडियो में से आपने कुछ एक चीज भी सीख लेना, तो आप अपने बच्चे को वो बनाओगे जो शायद सब लोग नहीं बना पाते। माता पिता बनना भाग्य की बात है, लेकिन अच्छे माता पिता बनना सौभाग्य की बात है। माता पिता बनने के लिए शायद हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अच्छे माता पिता बनने के लिए ना जीवन पर्यंत खुद में बदलाव लाना पड़ता है। अगर आप नहीं ला सकते ना, तो आप अच्छे माता पिता नहीं हो ही नहीं आप बच्चे माता पिता। आप देखो, मैं आपको एक अंतर सिखाता हूं, आप यूं सीखिए कि आप बच्चे को मम्मी को सबको छोड़ के जा रहे हो कमाने। आप बाहर कमा रहे हो, बच्चा आपका बाहर है, आप अलग हो, बच्चा अलग है। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को छोड़ के पैसा कमा रहे हैं। कुछ दिन बाद बच्चा क्या करेगा, आपको छोड़ के पैसा कमाएगा। फिर आप क्या करोगे, चार बच्चे हैं लेकिन हम बुढ़ा बड़े अकेले बनाई खाई थे। ये कहां से सीखा बच्चे ने, आपसे सीखा ना स्टार्टिंग से। आप थे, आज बच्चे का आप नहीं बना पा रहे, तो कल आपका बच्चा कहां से आपको बनाए। पहले आप आज बच्चे का आज सुधारिए, फिर वही बच्चा कल आपका कल सुधार देगा। लेकिन आप ना सुधार नहीं दे, आप करोगा पैसे सारा काम होगा। मैं नहीं कहता पैसा कमाना गलत है, पैसे कमाइए, लेकिन ये तो देखिए कि हम जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं हम उनको भी कुछ सिखा पा रहे कि नहीं, उनके लिए भी कुछ कर पा रहे कि नहीं। कम पैसे में भी जिंदगी अच्छी चलाई जा सकती है, लेकिन कम संस्कार और कम अनुशासन में नहीं। अनुशासन और संस्कार की कमी हुई तो सब कुछ खत्म, पैसे की कमी हुई ना तब कुछ नहीं खत्म। पैसा दोबारा आएगा, फिर से आएगा। एक बार आप मेहनत तो करिए। आप चाहते हैं ना कि बच्चे के मेमोरी में आप रहें, तो पहले आप बच्चे की जिंदगी में जाइए। मेमोरी बढ़ाने के लिए जीवन में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम करते क्या है, पहले कुछ सालों तक बच्चे को बोलना चलना सिखाते हैं। बेटा बोलो, बेटा बोलो बुआ। फिर कुछ दिन बाद बेटा बुआ को मम्मी बदनामा लगाना सुना दो, बेटा 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 चाचा उगा लीजिए, तो चाचा उगा लीजिए। फिर कुछ दिन बाद हम बच्चे से बोलते हैं चुप बैठ, क्या चुप बैठ, ये क्या हो गया। पहले बोलना आप चुप रहो, पहले चलना आप, ये वो क्या कह सके, मतलब बोलना चलना दोनों मन, चुप बैठ, ऐसा क्यों। मैं समझ रहा हूँ आपके बच्चों की बातें बुरी लग रही है, आपको लग रहा है आपका बच्चा ज्यादा बोल रहा है, आपका बच्चा गलत जगह बोल रहा है, लेकिन सिखाया किसने। आप एक बहन पाल रखी हो, आपको लग रहा है आपने बच्चे को जो जो सिखाया बच्चे ने वो सिखा, नहीं बिल्कुल नहीं। आप बच्चे के सामने जो जो करते थे बच्चा वो सीख गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि आप बच्चों को कहोगे ना, आप बच्चों को कह के कुछ नहीं करा सकते, खुद करो बच्चे स्वयं करेंगे। ये बहुत अच्छा ध्यान देना, बच्चे सुनने में अच्छे नहीं होते, बच्चे कॉपी करने में अच्छे होते हैं। बच्चा आपको कॉपी कर रहा था, आपको सुन नहीं रहा था, बचपन में आपने जो जो किया बच्चा वही कर रहा है। आप बात बात पे गर्म होते थे, छोटी छोटी बात पे लड़ते थे अपने भाइयों से, गाली गलौज करते थे, आपको लगता था आपके अंदर गर्मी भरी पड़ी है। बड़े पावरफुल इंसान हो आप, बच्चे को भी लग गया ना मैं भी पावरफुल हूँ क्योंकि मेरा बाप पावरफुल है, और आज वो गर्मी दिखा रहा। आपका बच्चा अपने भाइयों से लग रहा, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, तुम भी तो कुछ दिन पहले ये करते थे, आज तुम क्यों परेशान हो। वजह आप, हमेशा ध्यान रखिए, अ बैडली पेरेंट्स चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड। एक खराब माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं। परवरिश आपकी बुढ़ापे में काम आती है। खराब परवरिश के कारण क्या होते हैं सुनिए। पुअर सोशल स्किल्स, आपका बच्चा सामाजिक नहीं रहता, अनरिलायबल, अनस्टेबल, केयरलेस, ना अपनी परवाह करता है ना आपकी, आर्गुमेंटेटिव, रिजिड, जिद्दी हो जाता है, जिद्दी आप बनाते हो, रूड उसका नेचर एकदम बदल जाता है, इनडिसिप्लिन, जब मनाया सोया, जब मनाया खा लिया, जब जो मनाया वो कर रहा ना, तुम कुछ कर पा रहे मैं कुछ कर पा रहा, एंटी सोशल बिहेवियर, हर चीज के विरोध में खड़ा हो जाता है, कुछ भी हो उसे दुनिया अपने अनुसार चलानी होती है, लॉनर, अकेलापन फील करता है, पेसिमिस्टिक, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स, सीक्रेटिव, फेयर ऑफ फेलर,
ये सारी बातें दिक्कत करती हैं, बहुत दिक्कत करती हैं, और आगे चल के ना बच्चे को एकदम खत्म कर देती हैं, पूरी तरीके से बच्चा समाप्त हो जाता है। और फिर भी आपको लगता है कि आप अच्छे पेरेंट्स हो, फिर आप कहानियां सुनाते हो, वो देखो शर्मा जी अपने लड़का का बड़ा शासन में रखी क्लास में हाथ दबा, वो देखो वो मेरे घर काका के ना वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, हम कितने बार समझाया बच्चा शासन में रखो शासन में रखो, नहीं देखो बच्चा आज हाथ से चला गया। आपने बच्चे को कहानियां सुनाते हो, आप कहते हो उनको देखो उनको, हमसे बुरा खाते हमसे बुरा पहनते हैं, उनका सारा लड़का अच्छा पढ़ने हमारा सारा नालायक निकल रहा है। कभी कभी बाप को भी देखा करो, हमेशा बच्चे पे नहीं कभी बाप पे ध्यान देते हो, बाप पे आप पता क्या करते हो, 15 साल तक बच्चे को खराब करते हो, उल्टी सीधी चीजें सिखाते हो, 15 साल के बाद आप कहते हो 2 दिन में बच्चा ठीक हो जाए। अभी जब खराब करने में तुमको 15 साल लगा तो ठीक करने में 2 दिन कहां से लग रहा भैया, कौन एंगल से ठीक करोगे? एक बार बच्चे ने रॉन्ग पैटर्न पकड़ लिया ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कभी अच्छा पैटर्न नहीं पकड़ पाओगे। बच्चे को इंस्ट्रक्शन मत दो, इंस्पिरेशन दो, ये मत बताओ कहां जाओ, ये बताओ यहां जाने से क्या होगा। और आप ये काम नॉलेज से नहीं अनुभव से भी बता सकते हो। द ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ पेरेंट्स इज हाउ दे ट्रीट देयर चाइल्ड व्हेन नो वन इज लुकिंग। आप अपने बच्चे को कैसे सिखाते हो किसी को कोई परवाह नहीं, आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हो सबको इसी बात की परवाह है। 3 तरीके के एफ होते हैं, हर पेरेंट्स में होने चाहिए। पहला फर्म, काम की बात करो। तीसरा एफ, दूसरा एफ फेयर, फर्जी मत चिल्लाओ। तीसरा एफ फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार करो। ये तीनों एफ ना हमें बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं, बचपन से बच्चे के साथ जुड़ के रहिए ना। 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं, सुनिएगा आप काउंट करिएगा आप कौन वाले पेरेंट्स हैं। पहले जो सब फर्स्ट वाले पेरेंट्स होते हैं, ऑथोरिटेरियन, ये कौन से पेरेंट्स हो गए? जैसा बोला वैसा करो। ऑथराइज्ड पेरेंट्स मतलब दावा करने वाले, मैं बोल रहा हूं ना यही बैठ तो बैठ, मैं बोल रहा हूं ना यही कर तो कर, मैं बोल रहा हूं ना ये काम नहीं करना तो नहीं करना। ये पेरेंट्स पुराने जमाने में पाए जाते थे, तब चलता था मामला, तब की कहानियां मत लीजिए जनाब, तब लोग इतने डेवलप नहीं थे, तब इतने कुशल शिकार नहीं थे, बच्चे तब शासन में आते थे, आज के नहीं आते। आज तुम कर लो, आज तुम करो जो तुम्हारा मन है, कल तुम्हारा बच्चा वही करेगा जो उसका मन करेगा। आज तुम बच्चे की ऐसी कैसी करो ना, कल बच्चा तुम्हारी ऐसी कैसी करेगा, बुरा मत मानना। ये बातें सार्वभौमिक सत्य हैं, जैसा आज आप बनाओगे वैसा कल आप पाओगे। दूसरे तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं वो डेमोक्रेटिव होते हैं, मिल बांट कर काम करते हैं, कोई काम हुआ बैठ ठीक करना और बेटा बैठ ठीक करते हैं, 2 कॉपी अपनी सही की किसी तुम लगाओ देखिए कैसे लगाते हो, अरे वाह 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 गुड 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 ताली बजाने लगे और बेटा आओ ये वाला काम करते हैं। ये डेमोक्रेटिव पेरेंट्स होते हैं। आज के टाइम में ये वाले पेरेंट्स की बड़ी नीड है, जिसमें से 95% लोग फेल हो रहे हैं, वो हर काम बच्चे से मिलजुल के करते हैं, वो बच्चे को ना इंफॉर्मेशन नहीं देते, इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे को बताते नहीं बच्चे को सिखाते हैं। वो ये नहीं कहते बेटा जाओ पढ़ो जाके, वो ये कहते हैं आओ पढ़ते हैं। वो ये नहीं कहते बेटा जाओ चाचा से बात करो, वो नहीं आओ बेटा चाचा से बात करते हैं। वो ये नहीं कहते जाओ उस कमरे में लेटो, नहीं वो कहते आओ वहां बैठते हैं। तुम न्यूज देख रहे हो, तुम बकैदी कर रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम बोले बच्चे जाके पढ़ो, कहां कहां से पढ़ेगा, तुम क्या कर रहे हो, खुद को तो देखिए सर आप। इसे टाइप जो थर्ड टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो होते परमिशिव। ये कौन से पेरेंट होंगे? जो बच्चे का बड़ा ख्याल रखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। बच्चे ने जो बोला दे दिया, गाय चाहिए दे दिया, गाड़ी चाहिए दे दिया, मोबाइल चाहिए दे दिया, देखते नहीं मोबाइल कहाँ यूज कर रहा, गाड़ी का कौन सा यूज कर रहा, बस दे दिया पैसा देते गए। और ये कहते हैं मैं अपने बच्चे की हर विश पूरी करता हूं, तो आगे चल के पता बच्चों की कौन सी विश होती है? अकेले और स्वतंत्र रहना, ये वाली पूरी करो। सरकार सोचते हो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहे। आगे चल के बच्चों की विश होती है कोई बुढ़ा टीचर उनके लाइफ में इंटरफेयर ना करे। और आगे चल के आप बुढ़े होते हो तुमके लिए खुशहटी हो जाते हो, तब इससे पहले तो आप पैसा ही दे रहे थे ना, इससे पहले आप उसे शौकीन बना दिया, आज वो शौकीन है, उसका शौक है कि मेरे साथ कोई बुढ़ा ना रहे, पूरा करिए सर बुरा क्यों मान रहे। और थर्ड टाइप फोर्थ टाइप के सबसे खतरनाक पेरेंट्स होते हैं नेग्लेक्टफुल, जो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ये बड़ा गर्व फील करते हैं। अन्य लोगों से कहते हैं हमें मतलब नहीं, हम तो कहते हैं भैया अपनी जिंदगी जियो, हम इंटरफेयर नहीं करते, हमें तुमको इंटरफेयर नहीं करना और उसको अनाथ की जैसा छोड़ देना है। पैदा काहे किए थे, क्या प्रॉब्लम क्या था, बड़ी कौन सी दिक्कत थी तुमको बच्चों को तुम धरती पर ले आए, ये लिए जाओ भैया जो करना करो, सिगरेट पिला बच्चा पीने दो, दारू पीने दो, कुछ भी कर रहा है
ये मस्त है, अपने इनकी जिंदगी अलग है चल रही है और बच्चा अलग चला रहा है। कुछ दिन बाद की कहानी जब बुढ़ापे में बड़ी बिगड़ जाती है, फिर बुढ़ापे लोग दूजे में बचते हैं और घर में तीना पान गए और बच्चा बाहर, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग यही तो दिया था ना। चलिए आपको बताते हैं कि हम बच्चों को स्टार्ट कैसे करें, क्या करें बेहतर बच्चों के साथ। सबसे पहले इनकरेज इनोवेशन थिंकिंग लाइए उनके अंदर, सोचने की क्षमता बढ़ाइए। ये कैसे बढ़ाएंगे, बैठिए उनसे बातें करिए, आप जानिए कि क्या आपका बच्चा क्या सोच रहा है, उसे चुप मत कराइए, बोलने दीजिए बच्चे को, तो आपको पता लगेगा बच्चा सोच क्या रहा है। आप बच्चे का मुंह नहीं बंद करा सकते। देखिए मैं आपको बताता हूं, दिमाग बैंक होता है, मुंह एटीएम होता है। तो दिमाग में पैसा जमा करो तो एटीएम से निकलेगा। दिमाग में अच्छे थॉट्स लाओ, पॉजिटिव चीजें भरो, अच्छी चीजें बच्चे को बताओ, अच्छी चीजें दिखाओ। मान लो मम्मी पापा में लड़ाई भी है, आप में लड़ाई चल भी रही है, तो बच्चे को मदर फादर नहीं चाहिए, बच्चे को पेरेंट चाहिए। बच्चे को मदरिंग फादरिंग मत सिखाइए, बच्चे को पेरेंटिंग सिखाइए। कितनी भी लड़ाई है लेकिन बच्चे के सामने आप घुल मिल के बैठिए, कमरे में जाकर लोटी लोटा करिए, पकड़ पकड़ मारिए एक दूसरे को, गिरा गिरा के मारिए, लेकिन बाहर आइए फिर मुस्कुराते भी आइए। बच्चे को ना पता लगे कि हमारे माता पिता अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं, उनके साथ मिल के रहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं, आगे चल के वो भी थी इसलिए सीखेगा ना, आगे चल के वो भी तो ऐसे ही बनेगा ना। अगर आपका बेटा और आपकी बहू लड़ाई करेगी तो आपको कैसा लगेगा, या आपकी बेटी अगले घर में जाकर लड़ाई करेगी, कोई घर की ऐसी तैसी करेगी तो आपके पास शिकायत आएगी, तो आपको कैसा लगेगा, तब आपको बुरा लगेगा। लेकिन इससे पहले तो आप वही कर रहे हो ना, तो आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा। दूसरा, रीड बुक्स टू योर चाइल्ड, नॉट से डू, कहना नहीं करना है। ये नहीं करना जॉब पर हो नहीं, आओ पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, कहानी आती पढ़ो। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा हम फोन चला रहे हैं, उनके बगल बैठ के फोन चला रहे हैं, चलो बैठो, चलो बैग में बैठ के फोन चला रहे हैं, चार हमारे दोस्त आ गए हम गप्पे लड़ा रहे हैं, तो बच्चे से बोल रहे पढ़ो, आपको लगा बच्चा पढ़ रहा है, आपको लग रहा, आप बोलोगे साले को तो इतना रुपया बर्बाद कर दिया हम, इतना रुपया नाश कर दिया, पूछो ना, आए दिन यू याद है यू याद है साले का, महंगा खवाई था महंगा। हम तो कहते हैं बच्चों से महंगा खाओ महंगा पहनो हमसे पहले, लेकिन पढ़ाई गड़बड़ हुई, आशा बने गिरा के मारूंगा, कह लो कह लो कह लो कहो कहो कहो। आगे बच्चे आपसे कहेंगे बेहू नॉर्मल खाओ ठीक ठाक, नॉर्मल पहनो, ज्ञान है मत दो हमका, नहीं बुरा हो हमसे कहो हो ही नहीं, कल आज आप ज्ञान ही तो दे रहे हो ना, कल आप उनको ज्ञान देना, आज आपका दिन है दे दो ज्ञान, कल आ उनका दिन आएगा वो देखो तुमसे कैसे ज्ञान लेते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, बेहतर बनो। तीसरा, प्ले विथ योर चाइल्ड, खेलिए उनके साथ, आप खेलेंगे तो आप उन्हें अपने दोस्त जैसे लगेंगे, उन्हें बाहर बुरे दोस्त नहीं मिलेंगे, घर में आप जैसे माता पिता जैसे अच्छे दोस्त मिलेंगे, फिर कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीच देम बडजिंग, अच्छा ये क्या होता है बडजिंग, क्या होता है उन्हें बजट सिखाइए। ये कैसे सिखाएंगे, आप लोग पैसा देते हैं ना, आप लोग सामान लाते हैं ना, मत लाइए खाने पीने का सामान, लीजिए कपड़े मत दीजिए, उन्हें उनका गिटार मत दिलाइए, उन्हें साइकिल मत दिलाइए, उन्हें पैसा दीजिए, भाई ये 500 रुपये आपके हफ्ते का खर्चा है, वीकली मैंने आपको खर्च दिया 500, अब आपको इसमें खर्च करना है, इसी हिसाब से साइकिल लो चाहे तुम जो तुम्हारा मन है वो लो, स्कूल की फीस देना दे दो, आपको लगता है स्कूल फीस 2000 रुपए है महीने का, 2500 दो अपने बच्चे को, मम्मी पापा को नहीं खुद मत दो, मम्मी को मत दो, फिर खुद ही जमा करने जाओ, बच्चे से लेके जमा करने जाओ, उसको दो बेटा 2500 रुपए लो, तुम्हें फीस देना है 500 तुम्हारा खर्चा है, देखो कहाँ कहाँ खर्च करता है। मान लो कर मुझे साइकिल चाहिए, उससे बोलो बेटा 4 महीने बाद साइकिल लेना अपने पैसे से, इससे क्या होगा आप उसके इमोशनल अटैचमेंट को ना होल्ड कर पाओगे, बच्चों में आगे चल के उत्तेजित भावना आ जाती है, एक रात में करोड़पति बनने वाली, तुरंत चाहिए तो तुरंत चाहिए, जब आप बचपन से उसके अंदर ये स्किल बिल्ड करोगे ना तो आगे चल के उत्तेजित नहीं होगा। और आपको पता ही है आगे आने वाली जिंदगी में उसे ये तो करना ही है ना, पैसे लेने हैं बड़े आराम से चलाने हैं, महीने भर खर्च चलाना है परिवार चलाना है, तो आप अभी से क्यों नहीं सिखा रहे हो उसे, अभी से सीखेगा वो तो क्या बुरी बात है, अभी से वो जानेगा पैसे कैसे बजट करते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जिस बच्चे को मैनेजमेंट आ गया वाह क्या करना, फिर आप पूछ ही नहीं सकते, उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके अंदर पेशेंस आएगा, बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे के LSRW पर ध्यान दें, मतलब लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, ये जरूर देखें बच्चा सीख क्या रहा है और बोल क्या रहा है,
आप नेगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान देते ना, नेगलेक्ट नहीं करना। बच्चों को दूसरे के सामने स्प्रेड करिए, उसकी तारीफ करिए, लेकिन अकेले कहिए, कहानी बताइए ना ऐसे, ये उनका चाचा जी का लड़का है, वो ना अपने अंकल सामने ऐसे बोलता है, हमने कहा हमारा चुन्नू तो नहीं बोल, बस बच्चा जान जाएगा कि मैंने आज ऐसे बोला था, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए। पूछो बेटा, अच्छा आप बताओ गलत है सही, उनके वो ऐसे बोलते हैं, इसे बोलना चाहिए उनको, उनके वो इस तरह करते हैं, ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको बताएगा, वो बताएगा तो चलेगा, मैं भी तो ऐसे करता हूं, नहीं बताएगा ना तो वो खुद ही बोलेगा हाँ गलत है, या बोलेगा सही है। सही है तो उसका, उसके पीछे उसका एक लॉजिक होगा, एक तथ्य होगा, आप उस तथ्य को समझिए, अगर लॉजिक गलत तो आपको समझाइए नहीं ये गलत है। हमें बार बार ये नहीं करना गलत है गलत है गलत है, नहीं, हमें उससे पूछना है कि अगर उसके भाई वो कर रहा था मतलब उसके अनुसार सही है, और सही है तो कैसे सही है ना, ये पैटर्न बदल गया है, फल बुरे आ रहे हैं, गड़बड़ नहीं है, फल जड़ ही गड़बड़ है, हमने पेड़ बैर का लगाया है, बार बार देख रहे छोट छोट का है आ रहा, छोट छोट का है आ रहा, बड़गवाम का है नहीं गिर रहा, बड़गवाम का है नहीं गिर रहा, कहां से गिरेगा, अबे पहले देखो तो पेड़ का है का लगा है, पहले बच्चे का पेड़ ठीक करो, फिर टाइम लगेगा, लगने दो, फिर आम का लगवाओ, आम का लगेगा तभी आम गिरेगा, बैल का लगाए हुए आम नहीं गिरेगा। मान लो तुम बच्चे को बेवकूफ बनाई दिए, बड़ा शासन किए, तीन चार आम ऊपर जाके चिपका दिए, बच्चे ने हिलाया, तीन चार आम तो गिरेंगे, बाकी सब बैल गिरेगी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, आगे बात करते हैं। बच्चे से स्पेरिंग क्वेश्चंस करिए, ये कौन से क्वेश्चन है, बस जी मन बैठी उनके साथ, यार ये वाला काम हो गया, अच्छा कार लेनी तो सोच रहे यार कौन सा कार लें, सोनू बताओ जैसे कौन सी कार बढ़िया होगी, बच्चा अपनी क्यों सलाह देगा, तो जो क्यों करना होगी, अच्छा मुझे कार ना लेते घर लेते कार था रुक के लेते, तो बच्चा अपनी सलाह देगा। बच्चे को इन्फॉर्म मत करो मैं कार लेने जा रहा हूं, नहीं, बच्चों से पूछो मैं कार लेने चल रहा हूं, बेटा जब आप ऐसे करोगे ना सर तो पता क्या होगा, बच्चों के अंदर बात ही नहीं आएगी कि माता पिता बोझ है, उन्हें लगेगा नहीं कि माता पिता मेरे घर में एक्स्ट्रा हैं, वो माता पिता को मजबूरी नहीं माता पिता को जरूरी समझने लगेंगे, उन्हें लगेगा माता पिता के बिना सब कुछ खत्म, उन्हें कभी लगेगा नहीं कि माता पिता मेरे लिए, अब आप माता पिता बनोगे नहीं, आप बोल थोड़ी हो तो बात बात पे थोपे पड़ो, बात बात पे थोपे पड़ो, आज आप उनसे सलाह लो क्योंकि आज आपका दिन है, कल आप बुढ़े होंगे ना तो आपका मन करेगा आपका बच्चा आपसे सलाह ले, आपका मन करेगा आपका बच्चा आपके साथ बैठे, नहीं बैठेगा, नहीं सलाह लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जब उसका मन करता था ना तो आप वो नहीं करते थे, आज आप वो करो जो उसका मन कर रहा, कल आप पक्का 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 वो करोगे, वह आपका बच्चा वही करेगा जो आपका मन कर रहा है। मेरी बातें समझिए ध्यान से, देखिए हमें ना इम्प्रेस स्मॉल रिस्क एंड फेलियर बताना है, बच्चे को रिस्क लेना सिखाना है, हमें ना उसके कंटेंट ठीक करने हैं, समझो ऑर्गेनाइज करना है उसको, बात बात पे अच्छी चीजें बतानी है, तारीफ करनी है, उसके गोल के बारे में चर्चा करो, वो जो करना चाहता ना वैसे वीडियो दिखाओ बार बार, उसे कनेक्टेड बातचीत करो, उसे अच्छा लगेगा, उसे गलती मत बताओ, उसे बताओ उसे हैंडल कैसे करते हैं, अब उसे बात बात बेवकूफ बना सिखा रहे हो आप, हमें डीलिंग नहीं ठीक करनी, हमें फीलिंग ठीक करनी है, कंटेंट नहीं ठीक करना, इंटेंट ठीक करना है, रूट्स नहीं ठीक करना, रूट्स ठीक करना है, हमें ये नहीं बताना है आपने एक लाइन बता दिया गलत है आपने सही कर दिया दूसरी लाइन सही कर दिया, नहीं, अब मान लीजिए कोई बच्चा है आपने उसे एक एक पेज का कुछ बोला उसने लिखा आप सब गलत है आपने सब ठीक कर दिया काट काट के काट काट के, ये क्या हो गया कंटेंट ठीक करना, आपको लग रहा गलत है ना आप उसकी एबीसीडी सुधारो, एबीसीडी सुधारने का मतलब क्या हो गया इंटेंट ठीक करना, बच्चा स्वयं सही से लिखने लगेगा, मतलब उसे गलत आ रहा था इसलिए उसने गलत लिखा, मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दी तो आप बता रहे हो उसे बार बार कि बच्चे कैसे झूठ बोलना सिखा रहे हो सॉरी बुलवा रहे हो, ये हो गया डीलिंग करना, नहीं है बच्चे की फीलिंग ठीक करनी कि दोबारा गलती करे तो फील करे, हम बार बार बच्चे को चिल्लाते हैं तुलना करते हैं शर्मा जी के लड़के को देखो पता लगा शर्मा जी का लड़का लड़की लेके भाग गए तो बच्चा आपसे कहेगा पापा शर्मा जी के लड़का को देखो, तभी बच्चा कहता है पापा शर्मा जी का देखो, तुम कहा बच्चे को दिखा रहे शर्मा जी के बच्चे को भैया क्या दिखता शर्मा जी का बच्चा तुम बड़ा शर्मा जी से तुम क्या करना, हम क्या करते हैं बच्चे का कंपेयर करते हैं कंप्लेन करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में क्या होता है कैंसर बन जाता है, बच्चा ना ग्रोथ नहीं करता अकेला फील करता अकेले बैठता दोस्तों से बातें करता है, हमें क्या करना है रिकॉग्नाइज करना है रिफॉर्म करना है,
रेक्टिफाई करना है, बच्चा आगे ग्रोथ करेगा। बच्चे के साथ मिलना है, चिल्लाना नहीं उसे, समझाना है। आप ऐसे कुछ समझिए, देखिए बच्चे के अंदर ना एक इमोशनल पप होता है, अगर वो फुल तो बच्चा ठीक, अगर वो एम्पैथी तो बच्चा उसे फुल करने की कोशिश करेगा। फुल कहां से होगा? लव से, अफेक्शन से, सेंस ऑफ क्वालिटी से, अटेंशन से। इससे बच्चों का कप फुल होता है। जब बच्चों का कप फुल होगा उनके अंदर एनर्जी आएगी, बाहर वो ढूंढेंगे नहीं और ग्रो करेंगे। खाली कहां से होता है? इंसल्ट करने से, क्रिटिसाइज करने से, एब्यूज करने से, नेग्लेक्ट करने से, ह्यूमिलेशन करने से, पनिशमेंट लेने से, इससे बच्चों का कप खाली हो जाता है। जब बच्चों का कप खाली तो क्या करते हैं वो? बाहर दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। अगर कोई गर्ल्स या बॉय जिनके साथ प्यारी प्यारी बातें कर ले, उनके इमोशनल को टच कर दे, उनका कप फुल हो जाता है। और फिर वो कप फुल करने के लिए बार 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 वहीं जाते हैं, फिर वो आपसे बहुत दूर हो जाते हैं, फिर आप उन्हें नहीं संभाल पाते और आपको दिक्कत होने लगती है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी? हमें बच्चे का एंगर दिखता है, हाइडिंग दिखती है, ये गुस्सा करता है, हमसे बातें छिपाता है, हमसे झूठ बोलता है। अगर बच्चा आपसे झूठ बोल रहा तो जानिए कि आपसे बच्चे ने कभी न कभी सही बोला था, आपने उस समय उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया था। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करिए ना कि बच्चा आपसे झूठ भी आराम से बोल दे और कह दे पापा मैंने झूठ बोला है। हमें ना, हमें यार, हमें शेर साथ सूरी जैसे पेरेंट थोड़ी बनना है। हमें कोई अपने बच्चे पर शासन करने थोड़ी है। हमने अपने बच्चे को शासन करने के लिए पैदा किया गया है? हमने बच्चे के ऊपर शासन करें? हमारा बच्चा कोई नौकर है क्या मालिक उस पर चिल्लाए करे? नहीं, हमें बच्चे को अच्छा करना है ना, ग्रोथ कराना है। करके देखिए एक बार, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और आज सोचिएगा जरूर कि क्या ये बातें हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, और कमेंट में बताइएगा जरूर किनमें से कौन कौन सी बातें आपको लगी कि आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। एक बार ट्राई करिएगा, अगर आपको लगे कैसे वीडियोज आपके काम आते हैं तो आप डालिएगा। मैं बच्चों को लेकर के एक प्रोग्राम बिल्ड कर रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। सीरीज योनी जो आपके यूट्यूब चैनल्स पर आएंगी और आपको सुनना है, आप कमेंट करके बताएंगे कि शायद वो प्रोग्राम मैं आप तक पहुंचाता हूँ। ज्यादा नहीं, 15-16 वीडियोज का प्रोग्राम है, बच्चे के 1 महीने से लेके और 15-18 साल तक हम बच्चे को कैसे कैसे बताएं, कैसे कैसे करें, शायद ध्यान रखिएगा। मैंने ये सब, मैं ये सब कैसे बोल रहा हूँ, मैं एक अच्छा पेरेंट्स नहीं हूँ लेकिन मैं एक बच्चा हूँ। यदि आपको मर्ज के बारे में जानना है ना तो मरीज से जाके मिलो, वो आपको मर्ज का दर्द बताएगा, शुरुआत बताएगा, डॉक्टर इतना अच्छा नहीं बता पाएगा। डॉक्टर तो केवल अंदाज के दवा देता है, हम मरीज हैं बालक, हम खुद ही मरीज हैं। हम आपको बता रहे हैं कि दर्द की शुरुआत कहां से होती है और क्या क्या तकलीफ होती है और दर्द कहां तक बढ़ता है। डॉक्टर के पास तो आप बात में जाइएगा, एक बार ट्राई करके देखिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आप चोरी करने का सही तरीका चोर को पता होता है, पुलिस को नहीं। मेरी बात सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो मैं अगली वीडियो बनाने के लिए अपडेट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे किसी वीडियो का उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है या आपको गलत ठहराना भी नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा अच्छा बने और आने वाले समय में कोई माता पिता किसी अनाथालय में न जाए, कोई माता पिता किसी वृद्धाश्रम में न जाए, सबके माता पिता बच्चों के साथ रहें। आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, तो सबको खुश देख के